Guys, welcome you all here. RRC Group D 2022 का रिजल्ट कब तक आएगा, या पहले एक राइट वर्जन ऑफ आंसर की आएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। राइट वर्जन ऑफ आंसर की करने का मतलब है यार, अभी जो भी आंसर किया था उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थे, राइट? किसी का क्वेश्चन प्रॉपर नहीं था, ब्लर था, आंसर गलत था, ऑप्शन गलत था, तो बहुत सारे बंदों ने ऑब्जेक्ट किया मतलब ऑब्जेक्शन किया। उसको ऑब्जेक्शन को भी तो रिजॉल्व करने में टाइम लगेगा ना, है ना? ठीक है, तो 19th आज लास्ट डेट है। आज रात के 11:55 तक अपना आंसर की चेक कर सकते हो, अलोंग विद दैट ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो, राइट? तो यही मैं कह रहा हूँ कि क्या एक फिर से करेक्ट करके नया आंसर किया आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, या डायरेक्ट रिजल्ट ही आने वाला है एंड उसमें ही तुम अपना देख सकते हो यार कि सही हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, राइट? वेल, मुझे लगता है कि फिर से एक रिवाइज करेक्ट वर्जन ऑफ आंसर किया आएगा। जो भी ऑब्जेक्शन था, फाइनली एक ही बार रिजल्ट ही तुम्हें देने वाले। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यार कि वो तुम्हें कि एक पहले करेक्ट वर्जन ऑफ योर आंसर की देन रिजल्ट। इज गोना टेक टाइम, इसमें टाइम लगेगा। और आई थिंक रेलवे ये करना पसंद नहीं करेगा यार। आई मीन रेलवे इतना ये भी नहीं है, लाइक थोड़ा सा स्लगिश है, स्लगिश समझते हो? तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? चलो यार थोड़ा लॉजिकली समझे क्या यार। बहुत सारे अब आज का पूरा दिन बचा हुआ, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन रेज होंगे, राइट? तो क्योंकि यार बहुत सारे बंदे हैं ना, इट्स लाइक 1,15,00,000, राइट? 15,00,000 है, तो इन सबको सॉर्ट आउट करने में टाइम तो लगेगा ना यार। मान लो 50,00,000 बंदे, ठीक है, मान लो 5,00,000 20,00,000 भी बंदे ऑब्जेक्शन करते हैं, तो उसको यार रिजॉल्व करना टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है ही, राइट? और अलॉन्ग विद दैट रिजल्ट भी देना है। तो मुझे लगता है कि इसमें अप्रॉक्स 1 महीने का टाइम लग सकता है। मुझे लगता है कि यार 1 महीने का टाइम लग सकता है। दिस इज़ माई स्पेकुलेशन। और लॉजिकली देखा जाए तो यार इन सब चीज़ों को करने में और रिजल्ट फाइनल देने में थोड़ा टाइम तो नो डाउट यार चीज़ें ऑटोमेशन है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, हैंड मैनुअल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी रेलवे उतना भी फास्ट नहीं है। तो मतलब 1 महीना से ज़्यादा टाइम मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगना चाहिए। 1 महीना से ज़्यादा मतलब 1 महीना मैक्सिमम टाइम है, राइट? आज अगर 19 है तो नेक्स्ट 19 नवंबर से पहले तुम्हें डेफिनेटली तुम्हें आंसर और इवन रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि यार दिसंबर में तुम्हें PET भी कराना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, राइट? तो उसको अगर ध्यान में रखें तो 19 नवंबर से पहले ही या 19 नवंबर तक तुम्हें डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल, आई एम स्पेक्यूलेटिंग, राइट? इससे ज़्यादा तो टाइम मुझे नहीं लगता है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बता सकते हो? और कितने बंदों को लगता है कि यार मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, और क्यों लगता है? रीज़न भी होना चाहिए ना। इस लाइक ऐसे ही हवा में बातें कर रहा हूँ, या जेन्युइनली बोलो कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इफ़ यू आर फील लाइक ये मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हो। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।